मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला के दौरे पर रहेंगे और बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते के नामांकन में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी उनके साथी में मौजूद रहेंगे। सीएम दोपहर 12:10 पर मंडला के रपटा घाट पहुंचेंगे, जहां मां नर्मदा के दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद निषाद राजभवन में आम सभा को वो संबोधित करेंगे और नामांकन रैली में शामिल भी होंगे। नामांकन रैली के बाद वो फग्गन सिंह कुलस्ते का नामांकन दाखिल कराएंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक ओंकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है और आज जो है नामांकन क्योंकि भरेंगे अपना फग्गन सिंह कुलस्ते, उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे। नौसमन और कोर्ट कचहरी के चक्कर के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया। उनके गिरफ्तारी पर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीएम के रूप में वो जेल जा रहे हैं। साथ ही उनके इस्तीफे न देने पर कहा कि पद के लिए इतना लालच अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देता, उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चलता हूं कि अपने लोकतंत्र में ये पहली जरूरत होती है कि अगर कोई उंगली उठ रही है और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने दो दो मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में, आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली, लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है और इसी शराब कांड के मामले में जब नौ बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक का कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अंदर से सरकार चलाएंगे, ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है मैं समझ। और चलिए अब एक नजर चुनाव 24 पर।